नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चमचम की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही होता है आसान, और साथ ही मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स यूज करेंगे कि आपके भी चमचम जो है वो बिल्कुल हलवाई जैसे बनेंगे, वो ही स्वादिष्ट, और अंदर तक इसका जो रस है वो होगा वो बहुत ही मीठे होंगे। और साथ ही में बिल्कुल इसे बनाने की ऐसी हम ट्रिक्स यूज करेंगे कि आपके भी चमचम बहुत ही बढ़िया और एकदम हलवाई जैसे बनेंगे। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको भी मेरे चैनल पर न्यू वीडियोज आने पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर चमचम बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ दूध। मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध लूंगी, और यहाँ पर मैं फुल क्रीम वाला दूध यूज कर रही हूँ। अगर आप फुल क्रीम वाला दूध यूज करते हैं तो चमचम बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, और अगर आप चाहें तो आप बफेलो मिल्क भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काओ मिल्क यूज किया है। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने जो है वो 1.5 लीटर जो है वो दूध यूज किया है, और जितने आप दूध लेंगे उतना ही चमचम बनकर तैयार होते हैं। तो लीजिए, अब मैंने इसे गैस पर चढ़ा दिया है और इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसे एक अच्छा सा उबाला दे देंगे। देखिए, उबाला आ चुका है दूध को, और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने रख देंगे। तो देखिए, एकदम ठंडा हो चुका था, इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। गर्म इतना होना चाहिए कि आप जब उंगली जो है वो दूध में डिप करें तो आपकी उंगली जलनी नहीं चाहिए, इतना ठंडा दूध होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो साथ ही में अगर दूध बहुत ज़्यादा गर्म है तो, जैसे देखिए मैं हिला रही हूँ दूध को कड़छी से, आप हिलाकर ऐसे थोड़ा सा दूध को जो है वो स्टेबल कर सकते हैं, यानी ठंडा कर सकते हैं। तो अब बारी है दूध को फाड़ने की। तो मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर। अगर आप चाहें तो आप नींबू के रस से भी जो है इसे फाड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। तो मैंने यहाँ पर विनेगर लिया है, बहुत इजीली घर पे मिल जाता है सभी के, और आसानी से जो है ये दूध को फाड़ देता है। तो लीजिए, देखिए मैंने जितना एक कटोरी आधा कटोरी मैंने विनेगर लिया था, पूरा आधा कटोरी इसमें यूज़ किया है, और देखिए दूध बिल्कुल अच्छे से फट चुका है, और जैसे ही ऊपर पानी आ जाएगा तो समझ लीजिए कि दूध जो है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फट चुका है, और आप देख पा रहे हैं कि जो छेना है वो बिल्कुल नीचे है था। तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए रख दिया था, देखिए सारा पानी ऊपर आ चुका है और जितना भी छेना है वो सारा नीचे जा चुका है। तो अब बारी है इसे दूध से अलग करने की, यानी छेने को दूध से अलग करने की बारी है। तो यहाँ पर जो है मैंने जितना भी इसमें पानी था वो सारा निकाल दूंगी, और जितना भी छेना है उसे अलग कर लूंगी, यानी छान लूंगी। और देखिए, छेना भी जो है वो कितना बढ़िया सा बनकर तैयार हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट छेना जो है वो बनकर निकला है। और अब बारी है इसमें से पानी नहीं छोड़ने की, ताकि जितना भी एक्सेस वाटर है इसमें से उसे हम निकाल दें, क्योंकि हम जब छेना बनाएंगे तो इसमें एक्सेस वाटर की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, मैं इसे एक कपड़े में डालकर जो है वो छान रही हूँ, बहुत आसानी से जो है ये कपड़ा मिल जाता है मार्केट से, और ज़्यादा भी नहीं पानी निकालना है, बट बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं रहना चाहिए, बहुत हल्का सा जो है इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से जो है वो छेना बनकर तैयार हुआ है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया छेना बनकर तैयार हुआ है। अब यहाँ पर जो है मैं इसे अलग कर लेती हूँ। देखिए, अभी ये गर्म होगा तो बहुत, आप ऐसा कीजिएगा, या तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, या फिर बहुत हल्के हाथ से जो है इसे मसलिएगा। तो अब बारी है इसे मसलने की। तो मैं मसल रही हूँ इसे हाथ की जो हथेली से मसल रही हूँ, और मसल कर जो है इसे सिर्फ 2 मिनट ही मसलना है। उसके बाद इसमें मैं कुछ डाल रही हूँ, जिससे कि जो चमचम है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो इसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। आप चाहे बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, और बहुत ही बढ़िया जो है वो चमचम बनकर तैयार होंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, यानी बेकिंग पाउडर को हम एक्टिवेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से बेकिंग पाउडर को छेने में, और छेने में मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी की चीज़ें, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर, जो कि हर किसी के घर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होगा कि जो चमचम है ना वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे, टूटेंगे नहीं, जैसे कि बहुत होता है कि हमारे चमचम टूट रहे हैं, तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी। तो कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाल दिया है, और अच्छे से अब 1 मिनट के लिए इसे मसल कर इसका एक डो बना लेंगे। उसके बाद इसके डो से जो है मैं छोटे छोटे जो है वो लोइयाँ निकाल लूँगी, आप देख पा रहे हैं, बहुत आसानी से आप जो है लोइयाँ निकाल सकते हैं।
देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो है वो छेना बनकर तैयार हुआ था। आप इसे पतला करके जो है इसके छोटे छोटे लोइयां निकाल लेंगे। देखिए मैंने कितने साइज की ली है, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है क्योंकि चमचम जो है ना जब चाशनी में दलते हैं तो वो फूलते भी हैं। तो लीजिए मैं लोइयां जो है इसकी बना लूंगी और अब साथ ही में चलते हैं हम अपनी चाशनी की ओर, यानी हम चाशनी भी बना लेते हैं क्योंकि जब लोइयां हम तैयार करेंगे चमचम तो चाशनी ही होगी जिसमें हमें सबसे पहले डालना होगा। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है यानी केतली ली है जिसमें मैंने 1 कटोरी चीनी 1 कटोरी पानी लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब अच्छे से चाशनी चीनी को जो है वो पानी में मिक्स करेंगे और बढ़िया तरीके से जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट जो है वो टेस्ट आता है, और केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं आप। तो लीजिए चाशनी जब तक बन रही है तब तक जो है मैं बना लेती हूँ चमचम कि वो एक परफेक्ट शेप दे देती हूँ। तो यहाँ पर लोइयों से मैंने जो है एकदम परफेक्ट शेप दी है, हाथों से आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं चमचम, तो मैंने इसको ऐसे ही शेप दी है। देखिए कितना बढ़िया तरीके से सभी को जो है शेप मिल चुकी है। और अब चलते हैं हम दोबारा चाशनी की ओर, जो कि हमें एकदम चिपचिपी चाशनी बनानी है, कोई भी तार नहीं बनानी है चाशनी की। तो चाशनी जो है वो बिल्कुल चिपचिपी होनी चाहिए, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए बिल्कुल चिपचिपी चाशनी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो है मैं इसमें डाल देती हूँ हमारे चमचम जो कि हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। हाई फ्लेम पे ही रखिएगा गैस को, क्योंकि चमचम जो है वो बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही पकाए जाएंगे, तभी ये जो है वो पकेंगे और एक अच्छी बढ़िया शेप लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पीस डाला है, देखिए ये बिल्कुल टूट नहीं रहा है, लगभग सिर्फ 2 मिनट के लिए डालना है, देखना है कि ये टूट रहा है कि नहीं। देखो मेरा चमचम बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है कहीं से भी। तो अब इसी स्टेज पे मैं क्या करूंगी कि मैं अपने बाकी के जो बचे हुए चमचम हैं वो भी डाल दूंगी क्योंकि उन्हें भी जो है हम पका लेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं मोतीचूर के लड्डू तो वो भी मेरे चैनल पर वीडियो जो है वो अपलोडेड है, मैं लिंक ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं और आप भी बना सकते हैं मोतीचूर के लड्डू बिल्कुल हलवाई जैसे, वो भी घर पर और बिल्कुल किसी झंझट के नहीं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो लीजिए देखिए मैंने बाकी सारे चमचम भी जो है वो डाल दिए हैं चाशनी में, और चाशनी थोड़ी सी जो है वो गाढ़ी भी थी आप देख पा रहे हैं। तो अब देखिए मैंने इसे जो है वो ढककर पकाऊंगी, लगभग 10 मिनट के लिए जो है हम इसे ढककर पकाएंगे। और देखिए हल्का हल्का बीच में ये शेप जो है वो बड़े भी होने लगे, यानी चमचम जो है उन्होंने अपना साइज जो है वो बड़ा भी करना शुरू कर दिया है। तो ढककर पकाएंगे और लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, चमचम देखिए कितने बढ़िया तरीके से तैयार हुए हैं। आप देख पा रहे हैं इनका साइज कितना था पहले और अब कितना हो चुका है। और अब मैं इसे ऊपर से डाल रही हूँ गर्म पानी, जैसे कि चाशनी गाढ़ी हो चुकी है तो हमें पतली करनी है, तभी तो चाशनी जो है वो चमचम के अंदर तक जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे जो है वो कर लिया है पतला। तो अब मैं हल्का सा पानी और डाल देती हूँ और इसे अच्छे से, अब देखिए चमचम जो है वो अपने साइज से नीचे भी जाने लगे हैं, यानी जब जब चमचम जो है वो पक जाते हैं तो वो चाशनी के अंदर जाने लगते हैं। तो देखिए एकदम परफेक्ट जो है वो चमचम बनकर तैयार हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। और मैंने अभी इसी स्टेज पे जो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे लगभग 1 घंटे के लिए रख देंगे अच्छे से चाशनी अंदर जाने तक के लिए। तो लीजिए देखिए 1 घंटा हो चुका है और अब मैं चमचम को निकाल लेती हूँ एक बाउल में, जितनी भी चाशनी है उससे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने छन्नी ली है ताकि चाशनी जो है वो चमचम के अंदर से अलग हो जाए। तो देखिए इसके अंदर कितनी रसीली है और देखिए अंदर तक रस गया है आप देख पा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा मैंने इसमें से जो है वो चाशनी को निचोड़ के और अब मैं इसमें प्लेट में डाल रही हूँ बाकी सारे चमचम को भी ऐसे ही। देखिए कितना अंदर तक रस गया है, बहुत ही बढ़िया जो है वो चमचम बनकर तैयार हुए हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ खोया, आपने देखा होगा मार्केट में जो है वो खोया डालते हैं इसके बीच में कटिंग करके, तो यहाँ पर मैंने जो है वो घर का बना खोया लिया है। उसमें मैं डाल रही हूँ पिस्ता ताकि इसके अंदर की जो फीलिंग है वो बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी भी हो। तो अच्छे से जो है पिस्ते को मिक्स कर देंगे, और ये मीठा खोया है जो कि मैंने पहले से ही बना कर रख लिया था। अब इसी खोए को जो है मैं डालूंगी उन चमचम में जो कि मैंने बनाकर तैयार किए हैं। तो चमचम को सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो कट लगाएंगे, बहुत ही आसानी से जो है वो कट लग जाता है।
देखिए अंदर तक ये जालीदार बने हैं चमचम, वो भी देख लीजिए। देखिए कितना बढ़िया चमचम बनकर तैयार हुए हैं। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खोया, पिस्ते वाला खोया। देखिए एकदम लग रहे हैं ना बिल्कुल हलवाई स्टाइल चमचम, जैसे कि मैंने आपको कहा था बहुत ही बढ़िया चमचम जो है वो आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनते हैं और साथ ही में ये खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। तो लीजिए मेरे चमचम की रेसिपी तो बनकर तैयार है, आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए।